सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में बताने वाला हूँ भाई ड्रीम थ्रेड 24 की भाई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आ चुकी है। और भाई वो मैंने पूरी अनाउंसमेंट पढ़ ली है पहले ऑलरेडी, और फिर मैं वापस सब जाने के लिए वापस पढ़ूंगा। लेकिन भाई उसके अंदर इतने सारे फीचर्स है भाई, इतनी सारी चीज़ें कर दी ना, जो लोग बोल रहे थे कि ड्रीम थ्रेड 24 गेम अच्छा नहीं होने वाला, भाई काफ़ी बढ़िया होने वाला है और ग्राफिक्स भी काफ़ी बढ़िया होने वाले। और भाई ये लो एंड डिवाइसेस के लिए भी पॉसिबल है इस गेम को खेलना बहुत आराम से, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी सेटिंग कर दी है इस गेम के अंदर कि लो एंड डिवाइस भी इसके अंदर खेल सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पर सारी न्यूज आती रहती है ड्रीम थ्रेड 24 की। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो भाई, सारी डिटेल्स आती रहेगी और गेम कब रिलीज होगा वो सारी चीज भी उसके अंदर आएगी, और बहुत सारे मेंबर्स से मैं डिस्कस करते हैं ड्रीम थ्रेड 24 के बारे में। तो प्लीज जाकर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो भाई देखो, जो ड्रीम थ्रेड 24 की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है ना, जो पहली अनाउंसमेंट से दो अनाउंसमेंट होनी थी उनमें से पहली अनाउंसमेंट इन्होंने कर दी है, तो उसका लिंक दे रखा है कि इसके अंदर लिखी क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आने वाली है। तो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, इसके अंदर ये वाला टैब खुल गया, इसके अंदर लिखा है हाय ड्रीम थ्रेड फैमिली, अ बिग हार्ट फेल्ट थैंक्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस हेयर एट ड्रीम गेम स्टूडियोज। भाई ये तो सिर्फ इन्होंने अपना बस वैसे किया है। इसके अंदर फिर इन्होंने नीचे लिखा है, भाई देखो बहुत सारे इनके पास एक कमेंट आए थे बहुत सारे कि भाई प्लीज़ एड वर्ल्ड कप 2023, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप, हर जगह वर्ल्ड कप लिखा है। तो इन्होंने भाई वर्ल्ड कप का अपडेट ही लेके आ गए हैं। तो भाई इसके अंदर लिखा है सो लेट्स अनवील द बिग न्यूज़। तो भाई वर्ल्ड कप बैटल फॉर ग्लोरी बिगिंस। तो भाई इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये ड्रीम क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, तो भाई जो ड्रीम क्रिकेट 24 गेम है ना उसके अंदर वर्ल्ड कप आने वाला है, जो अभी अपडेट आएगा नया वाला, तो इंडिया में लॉन्च होगा तो उसके अंदर वर्ल्ड कप आने वाला है। तो इसमें लिखा हेयर इज व्हाट यू कैन एक्सपीरियंस इन ड्रीम क्रिकेट 24 वर्ल्ड कप। तो भाई इंटरनेशनल टीम्स होगी उसके अंदर, द वर्ल्ड कप इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल प्राइड एंड देयर आर फ्यू अदर थिंग्स डेट आर मोर इंजॉयबल देन प्लेइंग द वर्ल्ड कप एज ए नेशनल टीम। तो भाई इसके अंदर देखो, इसमें लिखा है 10 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, इसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान एंड नीदरलैंड। तो आप ये देख सकते हो इसके अंदर सारी टीमें हैं। उसके बाद लिखा है मैच ऑफ द डे, एक्सपीरियंस ईच ODI ऑफ द वर्ल्ड कप विद द लेटेस्ट स्क्वाड एंड लाइनअप्स राइट ऑन योर फोन। तो इसके अंदर जितनी भी लेटेस्ट स्क्वाड होगा सब होगा, इसके अंदर जितनी भी लाइनअप्स होगी सारी सेम रहेगी जो अभी लेटेस्ट चल रही है। उसके बाद लिखा है देर विल बी एट लीस्ट 48 मैच ऑफ द डेज एंड काउंटर्स। तो भाई इसके अंदर पूरा मैच नहीं होगा, सिर्फ जो अपने में अभी चैलेंजेस आते हैं वैसा ही होगा। तो उसके 48 मैचेस ही होंगे। तो आपने से देखा होगा अभी जो वर्ल्ड कप शुरू हुआ है इसके अंदर फिक्चर्स भी 48 मैचेस ही है, तो इसके लिए 48 मैचेस ही होंगे। और इसके अंदर लिखा है विद वेरीफाइंग फॉर्मेट फ्रॉम सुपर ओवर ब्लिट्स टू 5 ओवर ODIs, प्ले एज एनी वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग टीम एंड एज मैनी टाइम्स एज यू विश। तो भाई इसके अंदर लिखा है आप कितने ओवर भी खेल सकते हो, सुपर ओवर भी खेल सकते हो, 5 ओवर का मैच भी खेल सकते हो ODI मैच वर्ल्ड कप में। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है इसके अंदर। और देखो इसमें देखो मैच ऑफ द डे 12, इसके अंदर लेंथ 5 ओवर्स, 5 ओवर्स का मैच होगा और रिवॉर्ड मिलेगा आपको 10 टिकट्स, सेलेक्ट टीम टू रिप्रेजेंट। तो भाई आप देख सकते हो इसके अंदर 5 ओवर्स का मैच होगा और इसके अंदर 1 ओवर का मैच भी हो सकता है। उसके अंदर टूर्नामेंट्स भी लिखे हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ड्रीम क्रिकेट 24 पार्टिसिपेट इन वीकली रिफ्रेश टूर्नामेंट्स ईच विद न्यू फॉर्मेट डिफरेंट ओवर्स एंड विकेट्स। तो भाई इसके अंदर टूर्नामेंट्स के बारे में लिखा है कि टूर्नामेंट्स में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, अलग ओवर्स न्यू फॉर्मेट्स के अंदर और नए नए पिचेस के ऊपर, मतलब विकेट्स के ऊपर। और इसके अंदर लिखा है वर्ल्ड कप टिकट, प्ले एंड कलेक्ट वर्ल्ड कप टिकट इन ड्रीम क्रिकेट 24 फॉर एवरी मैच ऑफ द डे एंड टूर्नामेंट यू प्ले, कलेक्ट इन अ वर्ल्ड कप टिकट एंड रिडीम देम फॉर क्रिकेटर्स प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप लाइक सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, राशिद खान एंड मोर एंड एट देम। अच्छा, अगर हम इसके अंदर वर्ल्ड कप टिकट जीतेंगे तो इसके अंदर हमें सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, राशिद खान जैसे प्लेयर्स परचेज करने का मौका मिलेगा और उनको अपने ड्रीम टीम में ऐड करने का मौका मिलेगा। गेट रेडी टू फ्लॉन्ट योर स्क्वाड इन मल्टीप्लेयर, ये सब चीज़ें जितनी भी ड्रीम टीम है सिर्फ मल्टीप्लेयर मैचेस के अंदर काम आएगी। उसके अंदर लिखा प्ले विद फ्रेंड्स, सबसे बढ़िया फीचर मेरे को ये लगा कि हम इसके अंदर अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। डू यू वॉन्ट टू चैलेंज योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इन ड्रीम क्रिकेट 24। तो इसके अंदर जैसा आपने रियल क्रिकेट 22 गेम देखे ना आपने, उसके अंदर अपने अलग से रूम बन जाता है, क्रिएट कर सकते हैं अपना मैच अपने दोस्तों के साथ और एक कोड ज्वाइन करने का आएगा जिसके अंदर अपने दोस्तों मैच खेल सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है जिसके अंदर अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। तो भाई मैं भी खेलूंगा अगर ड्रीम क्रिकेट 24 लॉन्च होगा ना, उस दिन मैं भी खेलूंगा, सबके साथ खेलूंगा भाई मैच। इसके अंदर लिखा है न्यू वेन्यू अहमदाबाद स्टेडियम, आर यू रेडी टू प्ले इन द न्यूएस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड डेट विल बी द वेन्यू फॉर द वर्ल्ड कप फाइनल। तो भाई आप इसके अंदर देख सकते हो कि इसके अंदर अहमदाबाद का स्टेडियम जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है इसके अंदर ऐड हो चुका है, उसकी फोटोज जो कितनी बढ़िया है, मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाया था भाई, फोटोज तो बहुत प्यारी आई है भाई इसके अंदर। भाई इसकी सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरे को ये वाली लगी, रात रात वाली जिसके अंदर रात की जो पिक्चर है वो कितनी अच्छी लग रही है। और साथ साथ में
और साथ साथ में इसकी जो ये डे वाली है ना, इसके अंदर भाई इसके क्लाउड्स कितने बढ़िया लग रहे हैं। और भाई इसके ना DGS लिखा है, ये मतलब ऑफिशियली है DGS लिखा है, मतलब ड्रीम गेम स्टूडियो। और इसके लिखा है क्रिएटेड विद एक्सट्रीम अटेंशन टू डिटेल्स। भाई ये तो देखने से ही लग रहा है कि इसमें डिटेल्स के ऊपर काफ़ी काम किया गया। और अहमदाबाद स्टेडियम इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एनवायरमेंट्स ड्रीम गेम स्टूडियो हैज़ प्रोड्यूस्ड। यस ब्रो, ऐसा एकदम रियल लग रहा है भाई, पूरा जितने भी एनवायरमेंट है पूरा एकदम रियल लग रहा है। तो अहमदाबाद स्टेडियम तो इसने बना दिया। अब इसने लिखा है इंप्रूव्ड गेम प्ले। गेम प्ले में क्या इंप्रूव हुआ है? मैनुअल रनिंग इन मल्टीप्लेयर। जो भाई जो पहले मल्टीप्लेयर मोड था उसमें मैनुअल रनिंग नहीं थी, तो अब इसके अंदर भी लेके आ चुके हैं। मैनुअल रनिंग बिटवीन विकेट्स हैज़ बीन अ मेजर हिट विद आर यूजर्स। यूजर्स यूज मैनुअल रनिंग टू गेट दोज मैच टर्निंग रन्स दैट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग अ मैच। भाई देखो इसके अंदर ये तो अच्छी बात है कि मैनुअल रनिंग लेके आ गए, लेकिन भाई जो इसके अंदर रनिंग होती है वो काफ़ी स्लो होती है, मतलब बॉल बहुत दूर जाती है लेकिन इसमें से सिंगल ही ले पाते उस टाइम तक। तो ये को थोड़ा ठीक करना चाहिए कि थोड़ी रनिंग को थोड़ी फास्ट कर दी जाए, लेकिन बहुत स्लो होती है इसके अंदर। इसके अंदर लिखा बाइज एंड वाइड डिलीवरी। भाई वाइड डिलीवरी अभी तक थी नहीं, मतलब होती भी थी तो बाय चांस रियली बहुत एक दो बार ही आती थी भाई, लेकिन अब इसके अंदर बायज एंड डिलीवरीज भी आ चुका है। मतलब बायज तो पहले थी नहीं लेकिन अब बाय आ चुका है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। और डेड बॉल भी इसके अंदर होगी। द अंपायर शैल कॉल एंड सिग्नल लो बॉल इफ अ बॉल बाउंसिस मोर देन वंस और रोल्स अलोंग द ग्राउंड बिफोर इट रीचेज द पॉपिंग क्रीज। तो भाई आप समझ सकते हो यही वाला वही वाला डेड बॉल वाला जो रूल होता है वही वाला लो है। तो आप कितना बढ़िया फीचर इसके अंदर लेके आ चुके हैं। इंप्रूव्ड स्विंग। भाई पहले स्विंग बहुत कम हुआ करती है, अब इसके स्विंग बॉल भी होगी, वो भी अलग अलग पिचेस के हिसाब से अलग अलग विकेट्स के हिसाब से इसके अंदर बॉल स्विंग करा करेगी। और स्पिन कैप, भाई जैसे कि बंदा स्पिन डालता है तो उसके स्पिन कैप क्या, वी हैव कैप द स्पिन RPM डेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉलर्स कैन इम्पार्ट ऑन द बॉल। सो ऑल स्पिन बॉलर्स लाइक हरभजन सिंह विल हैव अ लिमिट ऑन द लेग स्पिन दे कैन गिव टू देयर बॉल्स, एंड सिमिलरली लेग स्पिनर लाइक शाहिद अफरीदी विल नॉट बी एबल टू गिव द मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ स्पिन टू देयर बॉलर। तो भाई इसके अंदर मतलब मैक्सिमम वो कर दिया, मैक्सिमम मिनिमम की कितनी बॉल टर्न करा सकता है एक बॉलर, कितनी ज़्यादा बॉल टर्न हो सकती है एक बॉलर की। और अगर वो बंदा लेग स्पिनर तो उसकी ऑफ स्पिन नहीं होगी, तो ऐसा चक्कर है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है इसके अंदर। और इम्प्रूव्ड बैट बॉल कनेक्टेड। हाँ पहले इसमें बैट बॉल कनेक्टेड अच्छे से होता नहीं था, दिखता भी नहीं था, बैट कनेक्ट होता नहीं था बॉल से, तो भाई बॉल कहीं भी चली जाती थी। लेकिन अब इसके अंदर वो थोड़े इंप्रूव कर दिए गए, अब जो इसके अंदर अपडेट आएगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। और साथ में ग्राफिक सेटिंग्स, ड्रीम क्रिकेट इज नाउ इवन मोर एक्सेसिबल टू प्लेयर्स ऑन लो एंड डिवाइसेस ट्वीक द ग्राफिक्स फ्रॉम सेटिंग मेन्यू फ्रॉम एन ऑप्टिमाइज गेमिंग एक्सपीरियंस एंड प्ले ऑन। तो पहले इसके अंदर ग्राफिक सेटिंग भी नहीं थी, तो अब इसके अंदर वो ग्राफिक सेटिंग भी लेके आ चुके हैं। और इन्होंने भाई कंपेटेबल कर दिया लो एंड डिवाइसेस के लिए भी ये गेम, कि इसके अंदर ग्राफिक लो करके वो बंदे खेल सकते जो लो एंड डिवाइस यूज़ करते हैं, वो काफ़ी बढ़िया है। जो भाई पहले बहुत लोगों को दिक्कत आ रही थी कि लो एंड डिवाइस पे कैसे खेला जाए, लो एंड डिवाइस पे आता नहीं था, लेकिन अब इसके अंदर आने वाला है। उसके अंदर अब लिखा गया लास्ट में रिलीज डेट प्लीज। तो इसके अंदर लिखा है व्हेन कैन यू प्ले ऑल दीज एक्साइटिंग अपडेट्स ड्रीम क्रिकेट 24। मार्क योर कैलेंडर बिकॉज ड्रीम क्रिकेट 24 विल लॉन्च इट्स ओपन बेटा ऑन गूगल प्ले स्टोर इन इंडिया पाकिस्तान इन द कमिंग डेज। तो भाई तब इंडिया में लॉन्च होगा तो उसी टाइम पे पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होगा, दोनों कंट्रीज में एक साथ लॉन्च होगा ये गेम। और वो भी कमिंग डेज लिखा है, मतलब कल या परसों के अंदर हो जाएगा भाई बहुत आराम से। और इन्होंने दूसरी अनाउंसमेंट करनी है, तो क्या दूसरी अनाउंसमेंट से रिलीज डेट की करे कि रिलीज डेट जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन बता दे कि ये गेम लॉन्च हो चुका है। तो ये काफ़ी बढ़िया कि इसके अंदर एक्साइटिंग फीचर्स बहुत सारे आने वाले, और रिलीज डेट तो भाई पक्का मैं बता सकता हूँ। और जो बांग्लादेश वाले यूजर्स है ना, उनके लिए सिर्फ एक अपडेट आने वाला है जिसके अंदर वो अपडेट करते हैं गेम को, जो अभी उसके अंदर बांग्लादेश वाले सर्वर में बता रहे सर्वर इज इन मेंटेनेंस। तो भाई इसका मतलब वो अभी अपडेट कर रहे हैं। और उसने लिखा है 9 आवर्स का टाइम लिखा, तो मतलब कल तक ये गेम रिलीज हो जाएगा इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी, ये अभी तक चांसेस बहुत ज्यादा है। और आगे बस इतना सब लिखा है, लेकिन भाई ये गेम बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है भाई। आज की वीडियो में कुछ ऐसे, तो कुछ ऐसी कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और भाई साथ साथ में कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा पार्ट बची। थैंक यू सो मच।